चलिए, तो क्वाड्रेटिक मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया था, दोज हु हैव नॉट अटेंडेड, ज्यादा नहीं बताया था, जस्ट एक ब्रीफ आइडिया जो 10th में पढ़े हो। ओके, साउंड इज कमिंग? हाँ आयुष, यस सर, आवाज आ रही है ना? हाँ सर, ठीक है, तो हम लोग इसको देख लेते हैं, क्योंकि छूट जाएगा तो फिर 12th में तो 12th का करेंगे, तो थोड़ा बहुत होता रहेगा। जनरल आइडिया ये 10th का जो आप पढ़े हैं उसी में कुछ थोड़ा सा ऐड करना है। देखिए, नेचर ऑफ रूट्स होता है, किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को आप, जैसा कि मैंने बताया भी एक क्लास में कई बार, उसको ए एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक में सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल, तो सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल जो भी होता है वो होता है क्वाड्रेटिक। पढ़े होंगे क्या 10th में भी पढ़े सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल, और वही है ये पहला स्लाइड जो है, और यहाँ मैंने लिखा है हर क्वाड्रेटिक का एक डिस्क्रिमिनेंट होता है, इसको डी कहते हैं, यहाँ मैंने उसे डेल लिखा है, डिस्क्रिमिनेंट ये नाम फिक्स है धाराचार्य मेथड में भी, डी भी कुछ लोग बोलते हैं, मैंने डेल लिया ट्रायंगल, दिस इज आल्सो कॉल्ड कैपिटल डी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ए जो है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर का जो लीडिंग कोएफिशिएंट है, जिसको कि हम लोग लीड कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड लीडिंग कोएफिशिएंट। पढ़े यू 10th में, यू माइट हैव स्टडीड इन क्लास 10th, फर्स्ट कोएफिशिएंट इज कॉल्ड लीडिंग कोएफिशिएंट, जो डिग्री है उसका कोएफिशिएंट लीडिंग कोएफिशिएंट होता है। तो अगर आपको चाहते हैं डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो होगा, ठीक है, तो देखिए या तो पैराबोला ए पॉजिटिव लोगे तो ऊपर रहेगा एक्स एक्सिस के, ये मान लो एक्स एक्सिस है, ठीक है, लुक एट द फिगर, सपोज ये एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा, वाई जरूरत नहीं थी बनाने की, वाई को आप इग्नोर कर दीजिएगा फिलहाल, तो ग्राफ अबव एक्स एक्सिस, यहाँ अबव एक्स एक्सिस और दूसरा जो है बिलो, ठीक है, तो अबव एक्स एक्सिस ग्राफ लाई करेगा अगर ए पॉजिटिव होगा, फर्स्ट कोएफिशिएंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैराबोला में, अबव एक्स एक्सिस और ये बिलो एक्स एक्सिस, एक्स का मतलब आप समझ लीजिएगा एक्सिस, ठीक है। तो ये जो दोनों है ये यूज होता है, जो बच्चे आगे पढ़ेंगे तो दीज टू आर यूज, ए पॉजिटिव और डी लेस देन जीरो इसको बोलते हैं, यहाँ ए निगेटिव और डी लेस देन जीरो, तो ये जो है ये दोनों ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब जब आप 12th में जाएंगे तो आपको ये सब आइडिया लैंग्वेज को कैच भी करना है, तो इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली अबव एक्स एक्सिस, क्या अबव एक्स एक्सिस या ऑलवेज अबव एक्स एक्सिस, तो ऑलवेज अबव एक्स एक्सिस होगा तो दो कंडीशन लगाओगे पैराबोला में, वन ए पॉजिटिव डी लेस देन जीरो या ए निगेटिव डी लेस देन जीरो, समझ रहे हैं मेरी बात, तो अबव एक्स एक्सिस अगर ग्राफ है पैराबोला का हमेशा तो दो कंडीशन होगा, एक तो उसका अपवर्ड डाउनवर्ड देखना है और दूसरा डिस्क्रिमिनेंट देखना है, डिस्क्रिमिनेंट इज इम्पोर्टेंट पार्ट इन द पैराबोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये सवाल आता है ग्राफ लाइज स्ट्रिक्टली अबव एक्स एक्सिस, तो टू कंडीशंस वन एंड टू नंबरिंग करके मैंने बताया, आइदर फर्स्ट केस ए पॉजिटिव डी लेस देन जीरो, सेकेंड केस ए लेस देन जीरो डी, दोनों में डी लेस देन जीरो होगा, ऐसा नहीं कि आप डी बदल दिए, क्योंकि आप पढ़े होंगे क्लास 10th में अगर कोई पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को कट करता है या टच करता है तो रियल रूट होता है, तो एक्स से तो कुछ रिलेशन होना ही नहीं चाहिए क्या, क्योंकि इमेजिनरी रूट है, नॉन रियल का मतलब इमेजिनरी रूट क्या, ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है। अच्छा रूअल रियल रूट होगा तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो होगा, टच करेगा, ए पॉजिटिव होगा तो टच करेगा इस तरीके से, अपवर्ड पैराबोला होगा, ए निगेटिव होगा तो डाउनवर्ड पैराबोला होगा, एक्स एक्सिस को देख सकते हैं दोनों टच कर रहा है, कोई कर्व टच करता है तो वहां इक्वल रूट आता है, आगे पढ़ेंगे आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इन क्लास 12th,
वेरी गुड चैप्टर, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन जैसे खत्म होगा इट कम्स इनटू द पिक्चर डिफरेंशियल कैलकुलस में। तो जब कर्व टच करता है तो वहां इक्वल रूट होता है, ये फिक्स कर लीजिए। और किसको? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस ही रियल रूट देने में कामयाब होता है। अगर कर्व का एक्स एक्सिस के साथ कोई रिलेशन होता है, मीन्स इंटरसेक्ट करता है या टच करता है, तो रियल आता है। तो दिस इज ऑब्वियस, रियल वर्ड देखी ने क्या? अच्छा, डी डी ग्रेटर देन जीरो होगा तो रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा, ठीक है। और ग्राफ जो है दो जगह कट करेगा, ए पॉजिटिव में अपवर्ड पैराबोला तो दो जगह, उससे मैंने वाई वो जो वर्टिकल लाइन आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है, जस्ट एक ग्राफ में था, अदरवाइज आप उसको वर्टिकल लाइन जो वाई एक्सिस है इट कैन बी इग्नोर्ड। वी आर ओनली बॉदर्ड अबाउट वाई एक्सिस करेंटली, सॉरी एक्स एक्सिस, वी आर बॉदर्ड अबाउट ओनली एक्स एक्सिस, यू कैन इग्नोर वाई एक्सिस इन ईच ग्राफ। उससे कंफ्यूजन होता है, आपको लगेगा ओरिजिन पे एक रूट है, ऐसा नहीं। तो एक रूट अल्फा है, एक बीटा है, देख सकते हैं जो दो जगह कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, और ए पॉजिटिव है तो देख सकते हैं ग्राफ नीचे चला गया है कुछ पोर्शन, कुछ पोर्शन ऊपर है। जो नीचे चला जाता है उसको निगेटिव पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? क्या वहां वाई निगेटिव हो गया, एक्स रखने से वो निगेटिव दे रहा है, तो इस एरिया में निगेटिव है जो अल्फा से बीटा के बीच में। अगर ए ए अगर पॉजिटिव देख रहे हैं तो यहाँ निगेटिव है, और जैसे ही एक्स एक्सिस के ऊपर गया तो उसका वैल्यू पॉजिटिव हो गया। तो आप इंटरवल बना सकते हैं पॉजिटिव निगेटिव क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का। क्या ग्राफ से अगर कोई कहा सॉल्व द क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, पॉजिटिव है तो एक्स एक्सिस के ऊपर जा रहा है, रूट निकालिए, देख लीजिए कहाँ पॉजिटिव लेना है, इंटरवल लिख लीजिए। और ए निगेटिव होगा तो डाउनवर्ड पैराबोला होगा, डाउनवर्ड होगा तो आपको वो भी कट कर रहा है, क्योंकि मैंने डी ग्रेटर देन जीरो लिया है, डेल उसको लिखे हैं, वही समझिएगा। कोई दिक्कत? ये टेंथ में भी पढ़े होंगे, वहां भी दिया रहता है, बात अलग है कि उस समय आप उतना। अब अगर रूट्स रियल एंड इक्वल होगा तो दो तरीके का रूट आ सकता है, रैशनल या इरेशनल, देखेंगे आगे, ठीक है। ये आप नहीं पढ़े होंगे, ऐड कर देने। अगर रूट्स डी ग्रेटर देन जीरो है तो रैशनल रूट्स आ सकता है। रैशनल कब आता है? सब लोग ध्यान से देखिए, आगे हम लोग इसको स्टडी करेंगे। रैशनल तब आता है, यहाँ साइड में कंडीशन लिखा है, बीच में डिस्क्रिमिनेंट का कंडीशन लिखा है, डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आप खुद सोचिए, रूट से निकालने के लिए क्या लिखते थे? एक धराचार्य आज मेथड, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अब बाय टू है, अब डी परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा ए बी सी। अगर आपका रैशनल है वो देख लेंगे हम लोग। तो पहला रिक्वायरमेंट है कि डी जो है, डेल जो मैंने ट्रायंगल जैसा साइन लिया है, स्क्वायर होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, और भी कुछ कंडीशन इम्पोज होगा। और अगर स्क्वायर नहीं है परफेक्ट तो इरेशनल आएगा ना, ठीक है। इसमें और भी कंडीशन एक इम्पोज कर देंगे। तो दिस इज वेरी गुड स्लाइड, टेंथ का ये पार्ट एंड सर्टेन वर्ड्स रैशनल इरेशनल मैंने इम्पोज कर दिया, वहां इतना इसके बारे में बात नहीं करता क्या। तो डी ग्रेटर देन जीरो में यू हैव टू इंक्लूड दीज टू थिंग्स, रैशनल रूट्स, इरेशनल रूट्स, ओके। और इसको हम लोग डिटेल देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में जस्ट, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग ज्यादा जानकारी लेंगे कि रैशनल रूट्स कब होता है और इरेशनल रूट्स कब होता है, और डील डेल लेस देन जीरो है, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो है तो इमेजिनरी रूट होता है, तो उसको भी देख लेंगे। वहां तो केवल लिख देता था टेंथ में नॉट रियल क्या, लेकिन यहाँ हम लोगों को ज्यादा डिटेल जानना है, ओके। चलिए, आई थिंक ये क्लियर हो गया। सेकेंड स्लाइड इज वेरी गुड स्लाइड। अब देखिए, उसी को मैंने ब्रेक कर दिया पहले स्लाइड को। अगर डेल लेस देन जीरो है तो इमेजिनरी रूट्स आएगा, लुक एट हियर, उसको नॉन रियल रूट्स भी कहते हैं अगर आप पढ़े हैं अच्छे से तो, क्या जो रियल नहीं है उसको क्या कहेंगे? इमेजिनरी, कॉम्प्लेक्स, यही कहेंगे ना। रियल का उल्टा इमेजिनरी होता है, रियल वर्ल्ड इमेजिनरी वर्ल्ड, भूत प्रेत आदमी जो दिख रहा है, भूत तो दिखता नहीं है, फीलिंग होता है, अनरियल चीज है क्या। अब थोड़ा ध्यान आप देंगे तो आपके बुक में, वैसे तो एक्सप्लेन नहीं किया है लेकिन वो आपको बताया है 10th 11th वाले बुक में, जो क्वाड्रेटिक में यही पार्ट बताया और कुछ नहीं, सवाल लिया है, वो कॉन्सेप्ट नहीं बताया क्या।
अगर ए बी सी रियल नंबर होता, थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो बहुत अच्छे से आप समझ जाएंगे। अगर ए बी सी जो है यहाँ दिख रहा तीनों कोएफिशिएंट रियल नंबर होना चाहिए, और पहला तो नॉन जीरो होना चाहिए अगर रियल नंबर है, ठीक है। अगर रियल नंबर है क्योंकि क्वाड्रेटिक हम लोग ऐसे लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो ए बी सी अगर रियल नंबर है, तीन नंबर ए बी सी जो कि कोएफिशिएंट है, अगर ए बी सी रियल नंबर है तो अगर एक रूट इमेजिनरी पी प्लस आई क्यू है, ठीक है, क्यू नॉन जीरो होना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट बचा होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स में बताए थे, तो दूसरा रूट जो होगा पी माइनस आई क्यू होना चाहिए, समझ रहे हैं। इसको बोलते हैं इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज ऑकर इन कॉन्जुगेट पेयर्स। कंडीशन क्या है, ऐसे आप कोड बना सकते हैं, कोएफिशिएंट रियल होगा तो रूट्स कौन इमेजिनरी होगा, रियल का उल्टा क्या होता है इमेजिनरी होगा तो कॉन्जुगेट पेयर में होगा, किस में होगा। तो मैं इसको याद करने का तरीका बता देता हूँ कोड, ताकि आप भूल नहीं पाए, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ, पहला अगर रूट्स इमेजिनरी है, ठीक है, अगर कोफिशियंट्स रियल है, कोफिशियंट्स रियल देन, ठीक है, रियल देन रूट्स इमेजिनरी, बस इतना शॉर्ट में लिख लीजिए। और इमेजिनरी किस में होगा, कॉन्जुगेट पेयर्स में होगा, एक p प्लस आई क्यू होगा तो p माइनस आई क्यू होगा, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट पेयर। कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉन्जुगेट्स पढ़े हैं, आयोटा का साइन कॉन्जुगेट पेयर्स में होगा, ये गारंटी देता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आप ए बी सी रियल नहीं लेते हैं, तीनों रियल होना चाहिए कोएफिशिएंट, तब गारंटी नहीं है कि कॉन्जुगेट पेयर में होगा, हो सकता है इमेजिनरी रूट मिले लेकिन कॉन्जुगेट पेयर का गारंटी नहीं। गेटिंग माई पॉइंट क्या है? तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, अगर इमेजिनरी रूट है तो इमेजिनरी रूट कॉन्जुगेट पेयर में हो सकता है, नहीं हो सकता है, कॉन्जुगेट पेयर में चाहिए तो सारा कोएफिशिएंट रियल चाहिए, एक भी गड़बड़ हो गया कोएफिशिएंट रियल नहीं ले रहे हैं। अब रियल नहीं ले रहे हैं तो क्या ले रहे हैं, इमेजिनरी ले रहे हैं, ये नहीं कहोगे सर रेशनल ले रहे हैं, रियल के अंदर तो रेशनल है ही, इरेशनल है ही, तो रियल से अलग लेना होगा ना। तो अगर आप कोएफिशिएंट्स कोई भी ए बी सी में एटलीस्ट वन अगर अनरियल ले लेते हैं, इमेजिनरी ले लेते हैं, तो आपको इमेजिनरी रूट तो मिलेगा, ये तो मिलना ही है, लेकिन कॉन्जुगेट पेयर का गारंटी नहीं है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, भूलने वाला नहीं, ये टेंथ में पढ़े हैं, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो इमेजिनरी रूट नॉट रियल। अब नॉट रियल का मीनिंग क्या होता है, इमेजिनरी। अब देखो दो सिचुएशन है, इमेजिनरी रूट कॉन्जुगेट पेयर में होगा या इमेजिनरी रूट कॉन्जुगेट पेयर में नहीं होगा, ठीक है, इजी हो गया, टेंथ में भी यहां तक पढ़े ही हैं इमेजिनरी रूट कॉन्जुगेट पेयर में। अब इलेवंथ में आ जाते, इमेजिनरी रूट होगा पेयर में या नहीं होगा, इमेजिनरी रूट पेयर में कब होगा जल्दी से बता दो, जब कोएफिशिएंट्स ऑल कोएफिशिएंट्स बोलना है, क्या बोलना है, अगर एक भी रियल नहीं है होता है कोएफिशिएंट तो इमेजिनरी रूट तो मिलना ही, उससे बाहर जा नहीं सकते क्योंकि एरो उसी में चल रहा है, समझ रहे हो, सैंपल स्पेस है इमेजिनरी रूट का, ठीक है। तो डेल लेस देन जीरो उसके लिए सैंपल स्पेस हो गया इमेजिनरी रूट के लिए, क्या क्वाड्रेटिक में, उसके अंदर कॉन्जुगेट पेयर है और कॉन्जुगेट पेयर नहीं है, कॉन्जुगेट पेयर है तो क्या है बता दीजिए, ऑल कोएफिशिएंट्स रियल और ऑल कोएफिशिएंट्स अनरियल एनी वन, एटलीस्ट एनी वन तो नॉन रियल। तो मैं इसको वेन डायग्राम से दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि वेन डायग्राम तो वेरी गुड थिंग, इसको वेन डायग्राम से हम लोग अगर ड्रॉ करें तो ऐसा बना देते हैं, वेन डायग्राम से बगल में बना दिए, ये है डी लेस देन जीरो का इमेजिनरी रूट्स का है, ठीक है, इमेजिनरी रूट्स का है, ठीक है। अब इसको दो पार्ट में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पढ़ा है प्रोबेबिलिटी में क्या, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, इधर होगा कॉन्जुगेट पेयर, ठीक है, कॉन्जुगेट पेयर्स में होगा, और इधर नॉट
इन पेयर्स। बहुत अच्छे से समझा दिए शॉर्ट में, क्या इमेजिनरी तो होना ही है, कुछ भी कर लीजिए जब डी लेस देन जीरो है, उसी को डेल मैंने कहा। गेटिंग माय पॉइंट? तो और कॉन्जुगेट पेयर में होगा तो मस्ट है कि ए बी सी जो है पूरा रियल होना चाहिए, ऑल रियल, समझ रहे हैं, ऑल मस्ट बी रियल। और यहां अगर ये एटलीस्ट वन इज नॉन रियल, अगर नॉन रियल होगा अदरवाइज, ये लिख दिया अदरवाइज, समझ लीजिएगा क्या इसी का अदरवाइज, ठीक है। क्यों इतना लिखे, कोड बन गया, अब कभी नई लाइफ में भूलेंगे, इमेजिनरी तो मिलेगा ही, अब इमेजिनरी अच्छा चाहिए, पेयर चाहिए, और एक पेयर में नहीं चाहिए, तो पेयर में चाहिए तो सारे कोफिशिएंट्स को रियल लेना पड़ेगा, और अगर वो अदरवाइज का मतलब कोई अगर जो कोफिशिएंट्स है अगर वो रियल नहीं है, रियल नहीं है तो क्या है, इमेजिनरी है। ये आपके बुक में है सवाल, आज हम लोग लेंगे, वो कवर हो जाएगा, वो सवाल तो दे दिया, अच्छा ही काम किया है, ये आपको समझना है, ठीक है, ओके। टेंथ का ही चीज है, यहाँ दो पॉइंट ऐड हो गया, इमेजिनरी रूट कैसा चाहिए, पेयर में चाहिए, पेयर में नहीं चाहिए, टेंथ तक तो यहाँ पढ़ाई है, तो मैं तो कुछ ऐड नहीं कर रहा। अब आप कहेंगे सर ये थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, ज्यादा बढ़िया रहेगा। अगर आप दो रूट लेते हैं आयोटा, समझिए, तो क्वाड्रेटिक पढ़े हैं, एक लीजिए आयोटा, एक ले लीजिए टू आयोटा, कंजुगेट पेयर तो नहीं, सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा थ्री आयोटा, अब प्रोडक्ट क्या हो जाएगा माइनस टू आयोटा स्क्वायर माइनस वन होता, अब क्वाड्रेटिक बना लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री आयोटा एक्स, ठीक है, आप माइनस टू इक्वल टू जीरो। अब कोफिशिएंट्स को देखिए क्या है, ए हो गया वन, बी हो गया माइनस थ्री आयोटा, और सी हो गया माइनस टू, तीन वैलिड हो गया कि नहीं, रूट्स इमेजिनरी है लेकिन कंजुगेट पेयर में नहीं है, एग्जांपल आप अपने से बना लीजिए। गेटिंग माय पॉइंट ऑल ऑफ यू, जो लोग सुन रहे हैं कोई दिक्कत आयुष? नो सर। हाँ तो आप अपने से एग्जांपल बना लीजिए, कंजुगेट पेयर नहीं है तो दो ले लो, और पढ़ा है टेंथ में दो रूट होता है तो क्वाड्रेटिक कैसे बनाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू जीरो, ऐसे नहीं बनाता था पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक, जीरो कर दोगे तो इक्वेशन हो जाएगा। तो जब वो पढ़े हैं तो हम लोग काउंटर एग्जाम्पल अपने से बना कर देख लें कि सर जो बता रहे हैं वो सही है कि नहीं, दिस इज बेटर वे टू थिंक अबाउट दिस कॉन्सेप्ट, क्या। और टेंथ में पढ़े हैं तो थोड़ा ऐड कर दिए, इसीलिए कहा जाता है जो बच्चा टेंथ में सीरियसली पढ़ा है तो उसको 50-60% तो मिल जाता है कि आईटी में क्या करना है, वो इसी में ऐड होता है, किसी में ज्यादा ऐड होता है, लेकिन कुछ तो टॉपिक ऐसा है जो उससे कनेक्टेड होता है और वहां उसको एडवांटेज मिलता है, टेंथ में ही सोच लिया उतना। जो बच्चा अगर सोचेगा इमेजिनरी है नॉन रियल है तो पूछता टीचर से सर क्या होता है नॉन रियल, कैसा होगा एग्जाम्पल दीजिए, तो वो समझ जाता है क्या। ओके आकाश ज्वाइन किया है क्या, आकाश सारंगी ज्वाइन कियो क्या, उसका लगता है नेटवर्क नहीं, ठीक है अब मैं मिटा देता हूँ इजीनेस के लिए, ठीक है अब इधर आ जाते हैं, देखिए कितना मजेदार है। अगर डेल ग्रेटर देन डिस्क्रिमिनेंट, इसको समझना, टेंशन मत लेना, डी का हो या डेल, मैंने थोड़ा लेट डी वो कहीं वो छोटा बड़ा या कुछ अच्छा नहीं दिखता इसीलिए, डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है तो रियल रूट का गारंटी है, एक्स एक्सिस को ये टच करेगा या कट करेगा, कोई दिक्कत। अब डेल अगर ग्रेटर देन जीरो है, डेल इक्वल टू जीरो है, इसमें दो पार्ट है, आप इसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोबेबिलिटी में पढ़े तो और में दो पार्ट बन गया, क्या थ्री डायग्राम बताए ना, और आइदर दिस और दिस। अब डेल इक्वल टू जीरो होगा तो इक्वल रूट होगा, इसमें तो कुछ करना नहीं, ठीक है आप डिस्क्रिमिनेंट जीरो कर दीजिएगा, और डेल ग्रेटर देन जीरो होगा तो अनइक्वल रूट होगा और रियल तो नहीं है क्योंकि रियल के अंदर ही जा रहे हैं ना। अब अगर
डेल इज ए स्क्वाड रैशनल, ठीक है, अभी जैसा बात बात किए थे तो रैशनल रूट्स होगा। स्क्वाड रैशनल समझते हैं, डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, क्या होना चाहिए? अब दो तरीके का रूट होगा, या तो रैशनल रूट होगा या इरेशनल रूट होगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। इरेशनल रूट कॉन्जुगेट पेयर में होगा, अगर आप गौर से देखेंगे तो ये एक p प्लस रूट क्यू अगर रूट है तो दूसरा p माइनस रूट क्यू होगा। इरेशनल में भी तो कॉन्जुगेट पेयर होता है, सर्ड्स पढ़े होंगे क्लास नाइन्थ में, तो उसका कॉन्जुगेट इसी तरीके से लेते हैं, ठीक है। तो सर्ड्स में हम लोग इसी तरीके से करते हैं। अब ध्यान से सुनना, इरेशनल रूट्स के लिए सारा कोफिशिएंट रैशनल होना चाहिए, क्योंकि इरेशनल का अपोजिट क्या होता है? रैशनल। इरेशनल रूट्स के लिए सारा सारा जो है क्या होना चाहिए? रैशनल। और डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं? लिखा ना नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो मैं इसका डायग्राम बना देता हूं, ठीक है, ध्यान से देखिए। वेन डायग्राम बना देते हैं तो आपको ये डी ग्रेटर देन जीरो का है, ठीक है, सब लोग जानते हैं अनइक्वल रूट्स होगा, इसमें दो पार्ट बना देते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अगर आप समझ रहे हैं, ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दो पार्ट बना दिए, ठीक है। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दो पार्ट बना दिए, अब दो पार्ट बना दिए तो एक पार्ट में हम लोग रख दिए, ठीक है, कॉन्जुगेट पेयर्स में इरेशनल रूट्स, क्या रेशनल तो पेयर नहीं ना होता, कहीं पढ़े हो क्या कि रेशनल रूट्स का रेशनल का कॉन्जुगेट पेयर, पेयर हमेशा इरेशनल या इमेजिनरी का होता, ई वर्ड लगा आई वर्ड लगा रहता, आई इमेजिनरी इरेशनल उसी में कॉन्जुगेट पेयर होता है, तो इरेशनल रूट्स होगा, ठीक है, या रैशनल रूट्स होगा, दो पार्ट बना दिए, क्या इरेशनल और रैशनल। इरेशनल होगा अगर, तो उसके लिए क्या कंडीशन है? डी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो डी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, के स्क्वायर लिख दिए, क्या, और एबीसी क्या होना चाहिए, सॉरी नॉट परफेक्ट स्क्वायर, और इधर लिख दीजिए परफेक्ट स्क्वायर, कोई दिक्कत? और यहाँ कोफिशिएंट्स क्या होना चाहिए जल्दी से बता दो, रैशनल होना चाहिए, ए बी सी और ये होना चाहिए रैशनल, रैशनल को क्यू से डिनोट किया जाता है ऑल, और उधर अदरवाइज लिख देते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, उधर अदरवाइज लिख दे, अदरवाइज उधर तो कोई जरूरत ही नहीं है अदरवाइज, ठीक है, अदरवाइज का मतलब अगर एक भी इरेशनल ले लिए कोफिशिएंट तो इरेशनल रूट तो मिलेगा, लेकिन गारंटी नहीं कि पर वो कॉन्जुगेट पेयर में होगा, कॉन्जुगेट पेयर में चाहते हैं, किसमें चाहते हैं? समझ रहे हो, कॉन्जुगेट पेयर्स में चाह रहे हैं, बस ध्यान देना, इरेशनल रूट कैसा चाहते हैं? कॉन्जुगेट पेयर्स, कोई दिक्कत क्या? बस यही चीज लिखा है और आप इसको यूज करिए, बहुत सारा ओलंपियड फ्री आर एम एम आई परफेक्ट स्क्वायर डिस्क्रिमिनेंट होता है तो उस पर सवाल सॉल्व करता है बच्चा, तो ये बेसिक आइडिया ही थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन कर लेना है कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ओके। चलिए नाउ लेट अस गो टू नेक्स्ट वन स्लाइड, आगे चलें, चलो थोड़ा सा देख, ये आपके बुक से ही मैंने लिया है, अगर आप एनसीईआरटी वगैरह का क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं तो यही सब है। यहाँ देखिए क्या है, सब लोग ध्यान से देखिएगा, इसको सॉल्व करना है तो लुक एट द प्रॉब्लम, पहला कोफिशिएंट है टू तो ए इक्वल टू टू, दूसरा कोफिशिएंट है बी वो है माइनस थ्री प्लस सेवन आयोटा, तीसरा कोफिशिएंट है सी वो है नाइन आई माइनस थ्री, ठीक है। अब आप जान रहे हैं कि कोफिशिएंट्स है इमेजिनरी, क्या है इमेजिनरी, ध्यान से सुनना, कोफिशिएंट्स है इमेजिनरी तो डिस्क्रिमिनेंट भी आएगा इमेजिनरी या जो भी है इमेजिनरी
तो रूट जो उसका होगा इमेजिनरी आएगा। तो देख सकते हैं, तो एबीसी के बारे में देख लेते हैं। तो रूट्स आर कैसे लिखोगे बोलो? एक्स इज इक्वल टू श्रीधराचार्य आज मेथड आप पढ़े हैं, क्लास टेंथ में लिखा होता है क्या? डिस्क्रिमिनेंट बगल में निकाल लेते हैं क्योंकि लंबा सा है। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ठीक है? तो बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर करेंगे थ्री प्लस सेवन आयोटा का स्क्वायर माइनस फोर, ए क्या है टू इंटू सी, सी क्या है नाइन आई माइनस थ्री, ठीक है? इसको सॉल्व कीजिए तो आप जानते हैं दिस इज नाइन माइनस, तो सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन, तो फोर्टी टू आयोटा, am I right? ठीक है, 42 आयोटा और माइनस 49, माइनस 4 टू जा 8, 9, 72, तो माइनस 72 आयोटा, 4 टू जा 8 प्लस 24, देख लेना कैलकुलेशन आपको सही करना है, ठीक है? ये स्कूल वगैरह में आएगा तो करा दे रहे हैं, वही इमेजिनरी रूट देख लीजिएगा आएगा, लेकिन कॉन्जुगेट पेयर में नहीं होगा क्योंकि सारा कोफिशिएंट्स जो है रियल नहीं है, रियल होता तो इमेजिनरी मिलता और वो कॉन्जुगेट पेयर में होता क्या? बस वो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर चेक करना चाह रहा है। यहाँ से देख लीजिए 24 और 9 ऐड कर लो कितना आता है, और ये 49, ठीक है? तो 24 प्लस 9 33, तो ये हो गया माइनस 16, ओके? यहाँ से देख सकते हो और 4 3 तो माइनस 30 आई, एम आई राइट? क्या नहीं हो गया? यस सर, हाँ बोलते जाना। अब यही स्क्वायर रूट ऑफ डी निकाल लेते हैं, फाइंड स्क्वायर रूट। आप लोग करिए, मेरे को तो एग्जाम नहीं देना है ना, मेरे को कॉन्सेप्ट बताना है। कैलकुलेशन पार्ट पे मैं ज्यादा स्ट्रेस नहीं देता, मेरा काम है कि कॉन्सेप्ट्स बच्चे को क्लियर बता दें और इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल सही दे दें ताकि उसको क्लियर कट पता चल जाए कि ये करना है। बाकी कैलकुलेशन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि बच्चा जल्दी जल्दी करे। तो फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ डी, तो क्या करोगे? माइनस 16 माइनस 30 आयोटा, अब स्क्वायर रूट कॉम्प्लेक्स नंबर का आप पढ़े ही हैं। मान लेते हैं कि x प्लस आई वाई है, जल्दी से मान लेते हैं ये दो रूट निकलेगा, निकलेगा कि नहीं बोलो, करो करो जल्दी जल्दी। आंसर भी बगल में लिखा है। अब क्या कहे थे, मान लेते हैं देखो कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा वाई मान लो, तो स्क्वायरिंग ऐसे नहीं बताए थे कॉम्प्लेक्स नंबर जो लोग पढ़े होंगे, आई हैव टोल्ड लाइक दिस, स्क्वायरिंग करके और कंपेयरिंग, स्क्वायरिंग एंड कंपेयरिंग रियल डायरेक्ट लिख दिए, क्यों उतना लिखें, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ऐसे नहीं बनता। एक्स वाई निकालना आपका टारगेट है, आपका टारगेट क्या है कि एक्स क्या है, एक्स इक्वल टू व्हाट, वाई इज इक्वल टू व्हाट, यही ना टारगेट है, दिस इज योर टारगेट, एक्स प्लस आई वाई लिख दिए। पढ़ लो ये सिंपल है, आप उसको x प्लस आई वाई मान लीजिए, x y निकालना है। अब स्क्वायर करेंगे कंपेयर करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, रियल को रियल से कीजिए तो इधर मिलेगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 16, और एक आएगा 2xy इज इक्वल टू, और इधर कंपेयर करेंगे तो माइनस 30। समझ रहे मेरी बात? नहीं
बोलो अब एक्स और वाई निकालेंगे। इसमें भी मैंने ट्रिक बताया कि एक्स और वाई का प्रोडक्ट है -30, तो एक्स वाई अपोजिट साइन का होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्या कह सकता, प्लस माइनस एक्स मिल गया, वाई भी प्लस माइनस मिल गया, तो क्या करोगे, तो अपोजिट साइन का होना चाहिए क्या। तो फ्रॉम हियर वी कैन से एक्स एंड वाई आर अपोजिट इन, आर ऑफ अपोजिट इन साइन, अपोजिट साइन, ठीक है, आर ऑफ अपोजिट साइन। क्यों, प्रोडक्ट अगर निगेटिव होता है तो अपोजिट होगा। तो अगर आप देखेंगे तो ये टू इधर आ गया, तो एक्स इंटू वाई जो हो गया वो 15 आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब मैं कॉम्बिनेशन तुरंत बना देता हूँ, नंबर थ्योरी आप पढ़े उतना करने का जरूरत नहीं, आप वाई को उसमें रखते हैं, मैं एक कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ, देखिए कैसे नंबर थ्योरी से। एक्स वाई जो है -15 के बराबर, अपोजिट साइन का लेना है। एक्स देखो इसका फैक्टर 15 का 3 और 5 होता है, और 3 और 5 लेते हैं तो स्क्वायर का गैप जो होता है 25 और 9 16 आता ही है। तो एक्स को हम लोग लेना पसंद करेंगे, पॉजिटिव निगेटिव में देख लेते हैं, पहले प्लस माइनस लिख देते हैं, तो हम लोग लेना पसंद करेंगे 3, और वाई लेना पसंद करेंगे प्लस माइनस 5, क्या तो कोई दिक्कत। यहाँ देखो ना 15 का फैक्टर बना दिया, 16 जानते हो पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है, तो 16 कब आता है, या नहीं तो आप होशियार बच्चे हैं तो क्लास 10th में ये भी था, यहाँ से वाई उठाकर यहाँ रख दीजिए, एक्स आ जाएगा, वाई निकाल लीजिए, और क्या क्या। ओके ये करना पड़ेगा स्कूल में, आप दिखा दीजिएगा, क्योंकि इसी का मार्क्स देगा। अब कॉम्बिनेशन देयर फोर मैं लिखने जा रहा हूँ, देयर फोर स्क्वायर रूट ऑफ डी, तो स्क्वायर रूट ऑफ -16 -30 आयोटा का वैल्यू जो है वो लिखने जा रहे हैं। क्या मैंने कहा था, एक्स वाई अपोजिट साइन का ले लो, क्या हो गया, तो अगर एक प्लस लेते हो तो एक माइनस लो, ये नहीं कहा था, एक ले लो 3, एक ले लो 5, तो यहाँ माइनस ले लो, एक माइनस लोगे तो ये प्लस लोगे, अब यहाँ रूट्स मिल गया, 2 रूट आ रहा है, एक आ रहा है 3 -5 आयोटा, और एक आ रहा है -3 + 5 आयोटा। जो लोग कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं अटेंड किए, यही है, सिंपल है थ्योरी ऑफ इक्वेशन से। 2 रूट आए, 2 से ज्यादा नहीं लिखना है, स्क्वायर रूट में 2 ही रूट आएगा, क्यूब रूट में 3 आएगा, बताएं, पॉलिनोमियल पढ़े हैं। अब आप यहाँ रख दीजिए देयर फोर आंसर, क्योंकि ये मैंने जानबूझ कर लिया कि आपका कवर हो जाए, आंसर लिखने जाना, एक्स इज इक्वल टू -b, तो माइनस माइनस प्लस 3 + 7 आयोटा, बताइएगा, प्लस माइनस दोनों सेम है, प्लस माइनस में वही देगा, चिंता मत कीजिएगा, ठीक है, कोई एक ले लीजिए, क्योंकि इसका अपोजिट ये है ना, नहीं है, इस आपको लग रहा होगा 4 आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि स्क्वायर रूट लेने के बाद मैंने लिखा है, तो आप किसी एक को ले लीजिए, काम कर जाएगा, हाँ प्लस माइनस है ही क्या। अब बाय 2a, ठीक है देख लो, आंसर देख लीजिए क्या आ रहा है ना, आंसर राइट हैंड साइड में लिखा है, 2 रूट आ गया, क्या। तो ऐसे करके आपको दिखाना होगा, मैंने बोर्ड पे सॉल्व कर दिया, ये स्कूल एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जब आप क्वाड्रेटिक खोलेंगे, आर एस अग्रवाल या आर डी शर्मा या कोई बुक क्वाड्रेटिक खोलेंगे, यही सब दिया है, भर दिया है, एक दो एक्सरसाइज है,
आपको एक सवाल करा दिया, हो गया कवर इलेवेंथ का आज। ये टारगेट था मेरा कि ये सवाल बोर्ड पे करवा दें ऑल ऑफ यू। एक बार अपने से कर लीजिएगा, आंसर भी राइट हैंड साइड में मैं जनरली लिख देता हूँ ताकि। तो अब समझ में आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर जो नहीं पढ़े हैं, पेनिक होने की जरूरत नहीं। एक्स प्लस आई वाई मान लीजिए, एक्स और वाई निकालना आपका टारगेट है। कॉम्प्लेक्स नंबर का एक ही रूल है, रियल को रियल से इक्वेट करते हैं, इमेजिनरी को इमेजिनरी से। दो इक्वेशन आता है एक्स और वाई में, पेयर ऑफ वेरिएबल्स पढ़े हैं क्लास टेंथ में, कैसे सॉल्व करते हैं, एलिमिनेशन वाई को उसमें रख दीजिए। मैंने यहाँ जुगाड़ लगाया पाइथागोरस थ्योरम का जो होता है ना, तो उससे काम बन गया, नहीं तो हम वही करते, वाई रखते और उसके बाद एक्स आता तो वाई आता। लेकिन एक्स और वाई का कॉम्बिनेशन ऐसा लेना है जो मैंने रेड से लिखा है, यहाँ देख सकते हैं एक्स एंड वाई आर ऑफ अपोजिट इन साइन। क्यों? एक्स वाई का प्रोडक्ट निगेटिव है, नहीं तो गड़बड़ कर देंगे, चार रूट आ जाएगा क्या। अगर प्लस माइनस लिखोगे एक्स वाई को, दिख रहे हो एक्स वाई प्लस माइनस में आ रहा है, तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़े हैं। एक्स का दो ऑप्शन है, वाई का दो ऑप्शन है प्लस माइनस, तो एक्स एंड वाई का क्या ऑप्शन होगा, चार। चार तो लेना नहीं, स्क्वायर रूट में दो ही चाहिए। तो जो प्रोडक्ट वाला आता है उस पर टारगेट करके आप एक्स वाई का कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कर लीजिए। क्या गेटिंग माई पॉइंट ऑल ऑफ यू? जानवी जानवी, चलो कोई बात नहीं, अब हम लोग आगे चलते हैं। इसको ध्यान से देख लीजिए, अपने से एक बार कर लीजिएगा, वेरी गुड थिंग। अगर जो कॉम्प्लेक्स पड़ा है तो नॉट ए टफ थिंग, केवल रूट निकालने का ये, लेकिन दिखाना पड़ेगा, मैंने दिखा भी दिया, ठीक है। तो आर्यन कह रहा था ना यही पढ़ना था, कॉम्प्लेक्स नंबर में रूट निकालने के लिए यही तरीका है क्या। एक बार आप कर लीजिएगा और एक दो सवाल लेकर। अब देखिए अभी बात कर रहे थे, अगर ए एक्स स्क्वायर हैज नो रेशनल रूट, रेशनल रूट नहीं चाहिए, तो ए बी सी कैसा होना चाहिए? ए बी सी ऑड है, प्रूव करना है ए बी सी ऑड है तो जुगाड़ करिए। मैंने यहाँ लिख दिया ट्रिक, सब लोग देख सकते हो। मान लीजिए कि इसका रूट रेशनल है, पी बाय क्यू है, क्या क्या है, पी बाय क्यू, पी बाय क्यू रख दीजिए। यहाँ से देख लीजिए मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। अगर रूट है तो आप जानते हैं उसमें रखा जाता है, तो क्या मिलेगा, ए पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर प्लस बी पी बाय क्यू और प्लस सी इक्वल टू जीरो। सब लोग ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी है। अब इसको क्यू से सॉल्व कर लीजिए, क्यू स्क्वायर से, तो ए पी स्क्वायर और प्लस बी पी क्यू और प्लस सी क्यू इक्वल टू जीरो। अब जुगाड़ कर आपका हो गया, चार केस बनेगा, सब लोग ध्यान से देखिएगा, बहुत तेजी है। देर आर फोर केसेस, मैंने लिख भी दिया, दिस ब्रेक्स इनटू फोर केसेस, ट्रिक मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, फोर केसेस, फोर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव केसेस। जानबूझकर यूज कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी पढ़ लिए, चार से कम नहीं होगा, चार से ज्यादा नहीं होगा क्या। अब एक पहला ट्री डायग्राम बनाएंगे, दूसरा तीसरा एंड चौथा, कोई दिक्कत। अगर पी क्यू, पी और क्यू के बारे में, पी ऑड और क्यू भी ऑड ले लेते हैं, दोनों ऑड ले लेते हैं, देखिए होगा ना, पी बाय क्यू में पी क्यू से करना है। अब ए बी सी तो ऑड दिया ही है क्या, अब आप सोचिए ऑड ऑड ऑड, तो ऑड का सम जीरो हो सकता है क्या, तो सम कैन नॉट बी जीरो, दिस इंप्लाइज सम Not equal to zero, so no rational roots. क्या this implies no rational roots. Contradiction से दिखा दिया ना, ऐसे ही odd even, even odd, even even, तीन केस ले लीजिएगा, hint दे दिए सब।